बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को जदीद टेक्निकल कोर्सेज करवाने के लिए अहसन इकदाम। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने पुलिस मुलाजमीन और शहदाए पुलिस के बच्चों के लिए जदीद तरीन टेक्निकल कोर्सेज का आगाज कर दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में नेशनल पुलिस एकेडमी के जरिए तरबियत एएसपीज की दो रोजा तरबियत मुकम्मल। 50वें कॉमन के 30 एएसपीज को सेफ सिटी में जदीद पुलिसिंग बारे तरबियत दी गई। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 50,419 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 3,352 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 37,266 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 4,988 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,112 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। इंसानी रगों में जहर घोलने वाले कानून के शिकंजे में अटक पुलिस ने भारी मकदार में करोड़ों रुपये मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। सत्याना पुलिस स्टेशन 1906 में तामीर किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत इस थाने को दोबारा से तामीर कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन आने वाले शहरियों के तासुरात बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में नेशनल पुलिस एकेडमी के जरिए तरबियत एएसपीज की दो रोज़ा तरबियत मुकम्मल हो गई। 50वें कॉमन के 30 एएसपीज को सेफ सिटी में जदीद पुलिसिंग बारे तरबियत दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल पुलिस एकेडमी के 30 एएसपीज की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में दो रोजा तरबियत मुकम्मल हो गई। मैनेजिंग डायरेक्टर एहसन यूनुस ने पुलिस अफसरान को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न पुलिसिंग टूल्स और अथॉरिटी के नए आने वाले मनसूबों बारे ब्रीफ किया। जेर तरबियत अफसरान ने सेफ सिटीज में अटैचमेंट के दौरान 15 इमरजेंसी कॉल्स और उन पर पुलिस रिस्पांस का अमल देखा और मुख्तलिफ शोबा जात में जेर इस्तेमाल जदीद सॉफ्टवेयर्स पर अमली तरबियत हासिल की। अफसरान ने सेफ सिटी के लाइव प्रोग्राम्स में शिरकत की और इदारे बारे अपने ख्यालात का इजहार किया। पूरे पंजाब की जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी 15 की कॉल्स हैं, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे उनको एड्रेस किया जा रहा है। सेफ सिटी तो मैडम जबरदस्त जगह है, बड़ी अमेजिंग प्लेस है ये। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से भी एक सरकारी इदारा है, यहाँ जैसा कम्युनिटी सेंटर है, जैसा यहाँ का ऑफिशियल एनवायरनमेंट है, तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पे। नौजवान पुलिस अफसरान का कहना था कि दुनिया भर में रवायती पुलिसिंग की बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मदद ली जा रही है और सेफ सिटीज का तरबियती कोर्स उनके लिए फील्ड में जराइम की सरकूबी में मददगार होगा। सिंध पुलिस के जरिए तरबियत डीएसपीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिंध पुलिस के जरिए तरबियत अफसरान से ट्रेनिंग, फील्ड तजुर्बात बारे दरियाफ्त किया। जिले तरबियत डीएसपी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग बारे आगाही दी जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि नौजवान अफसरान के लिए फील्ड के साथ ऑफिस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा हासिल करना इंतहाई जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान अर्बन और रूरल पुलिसिंग के तमाम पहलुओं बारे आगाही और महारत हासिल करें। जिले तरबियत डीएसपी ने आईजी पंजाब को फील्ड ट्रेनिंग के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बात और मुशाहिदात बारे आगाह किया और मुख्तलिफ सवाल भी पूछे। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 242, पंजाब यूनिवर्सिटी में 196 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 219 रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल्ली दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। इंसानी रगों में जहर घोलने वाले कानून के शिकंजे में अटक पुलिस ने भारी मकदार में करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ये रिपोर्ट।
बड़ी खेप मंशियात की जो कि पूरे पंजाब में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी उसको इंटरसेप्ट किया, ना सिर्फ उसको इंटरसेप्ट किया बल्कि उसको बड़ी महारत के साथ और प्रोफेशनल तरीके से उसको काबू करके मुल्ज़िम को भी गिरफ़्तार कर लिया है कि ये जो टोटल तादाद है ये तकरीबन 150 किलो के करीब मंशियात बन रही है। फैसलाबाद सत्याना पुलिस स्टेशन 1906 में तामीर किया गया था। आईजी पंजाब कवीन के मुताबिक सत्याना पुलिस स्टेशन को सिप्स पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन आए शहरी क्या कहते हैं आइए जानते हैं। आज तो पहले 1906 तो असी पढ़ते आ रहे थे कि थाने का वजूद इदा लगता थी जिमें एक बहुत यानी कि हल्का नमा यानी कि बिल्डिंग सी और लोग आते थे खौफ ज़्यादा होंगे सके खंडरा जितनी आ गए कित और हूँ इस वे अलहमदुल्ला अज चमकता होया आजी साहब ने इस तरह बनाता जिमें खूबसूरत एक कोठी होंगी और बहुत ही अच्छा लग रहा। मेरा नाम राजा अनवर नंबरदार चक नंबर 89 99 गाबे जनाब ये जमीन आसमान का फर्क है जो पहले से उसकी नस्बत ये जमीन आसमान का फर्क है और असी शुक्रिया अदा करते हैं आई जी साहब का उन्होंने काशिफ के नाल बनया है और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।